देख रहे हैं दीघा घाट पटना से, और यहाँ प्रशासन का भी व्यवस्था है, एनडीआरएफ टीम का भी ऊपर बोर्ड से भी प्रशासन का व्यवस्था अच्छा है, और सारे बोर्ड बिहार का सबसे पावन त्योहारों में से एक ये छठ होता है। और आज हम लोग जो मना रहे हैं वो चैती छठ है, और चैत महीने के षष्ठी के दिन ये छठ मनाया जाता है, और इसके बाद रामनवमी आ जाती है, और एक कार्तिक में भी छठ मनाया जाता है जो इससे भी बड़ा धूमधाम से होता है। इसमें करीब करीब 30-40 लोग ही छठ मनाते हैं। वोट आई है और वोट पे लोग सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। दीघा घाट से, दीघा ब्रिज से, और पीछे दीघा ब्रिज आपको दिख रहा होगा। और आज पहली बार, शायद पहली बार ही हम लोग पटना घाट पे, ऐसे अपने गांव में ही रहते हैं लेकिन इस बार गांव नहीं गए हैं, और पटना दीघा घाट पे सब लोग बोलते हैं कि आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, और हंसी उल्लास के बाद, कोरोना के बाद ये पहला है। तो छठी मई के नाम पर एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारे कैमरा मैन हैं, बहुत नामियर भाई विजेंद्र जी हैं ना, वही कह रहे हैं कि पहचान रहे हैं, हम सोच रहे हैं कंफ्यूज है कि बोले कि नहीं बोले, इसमें ही मिलने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। सब बढ़िया है, थैंक यू, ठीक है बाय। चलिए दिखाते हैं, राजेश कुमार से पत्थर खींच रहे हैं, आपको राकेश कुमार ढूंढ रहे हैं, पार्टी को नियंत्रण कक्ष के पास है। राजू कुमार जो पत्थर खींच रहे हैं, पार्टी को नियंत्रण कक्ष के पास है। वन गोदाम ले लेते हैं, वन गोदाम Thank you.
हैं।